पता नहीं वहां पर विठोबा ने किसके नाम की पूजा स्वीकार की होगी, मेरे या पाखी के। लेकिन जो भी है बाबा, मैं अपना फैसला कर चुकी हूं। आज विठोबा को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मेरी दुविधा दूर करो विठोबा, बताओ मैं क्या करूं। दोनों मेरी ही बेटियां हैं, भला मैं कैसे एक की खुशी छीन सकती हूं। एक की आंखों में सपने देकर कैसे दूसरी की आंखों में आंसू दे दूं। दोनों की मांग में एक ही नाम का सिंदूर, कैसे भरने दूं देवा, किसका साथ दूं मैं। मुझे रास्ता दिखा विठोबा, पाखी और राघव मिल जाए और कल्पी अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ बन के दिखाए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। जवाब मिल गया है। जय विठोबा। जो आप सोच रही हैं वही आपका जवाब है, ऐसा विठोबा की इच्छा है। मैं सोच रही थी कि पाखी और राघव मिल जाए और कल्पी अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ बन के दिखाए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। अगर यही फैसला आपका है तो मुझे मंजूर है विठोबा।
मैं जो कर रही थी सही था। अब भगवान भी यही इशारा कर रहे हैं कि उनकी भी यही इच्छा है। अब मुझे पता है मेरी बेटियों के लिए मुझे क्या करना है। मुझे मेरी राह मिल गई है देवा, मुझे मेरी राह मिल गई। चलो बेटा, भगवान ने तुम्हारी सब दुविधा दूर कर दी है, इसे भगवान का आशीर्वाद समझ करके रख लो, इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जय बिठोवा। अरे बुरे वक्त के लिए अपनी मम्मी से चाय बनाना तो सीख लिया होता। तो मेरी माँ को पता होता ना कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब होने वाली है, तुम्हें शादी नहीं कराती तुम्हारे नाल। मैंने बनाई है वो कल्पी के लिए, अपना दिल कमला जितना बड़ा नहीं है। हाँ तो मैं चाय लेने भी जा रही थी। क्या कल्पी कहाँ है? बाबा पता नहीं, अभी आती होगी। ये लो, आ गई। तुम मार्केट चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ बाबा, शाम को तभी फ्रेश सब्जियां होंगी। कल्पी तेरे लिए चाय बनाकर रखी है, पी ले। और ऐसे तुम लोगों की आई नहीं है तो ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं बाबा, क्योंकि मैंने अपनी आई से चाय बनाना सीखा है। देख रहे साहिल, एक काम करो, मैं चलता हूँ, तुम इसे पकड़ो, मेरी अभी नौकरी लगी है, अकाउंट का काम संभालना, ठीक है? तुम संभालो उसको। अच्छा, लग गई नौकरी? नहीं, अल्पी तेरी आई को फोन लगाना एक बार। हेलो कल्पी, कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है दर्शन बहुत अच्छे हुए। हेलो कमला। विठल कैसी है, दर्शन कैसे हुए? विठल दर्शन छान झाले। तुझे पता है आज मैंने 101 परिक्रमा किए, तू होता तो मजा आ जाता विठल। 101 परिक्रमा? पागल हो गई है तू? ठीक है ना, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दर्शन के बाद मन एकदम हल्का हो गया। अच्छा सुन। हाँ? देख, बारिश का मौसम हो रहा है, भीगना मत, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो फोन कर देना, मैं तुझे बस स्टैंड लेने आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। कब आ रही है तू? मैं शाम तक पहुँच जाऊंगी विठल, वो अभी बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। ए विठल, वो बस आ गई, मैं अभी फोन रखती हूँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ आराम से, आराम। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद विठोबा, आज मेरी कमला बहुत खुश लग रही थी। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना हमारे परिवार। कमला से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था उसे नई उम्मीद मिल गई हो, उसके मन में जो दुविधा है उसका हल मिल गया। लगता है
ये विठ्ठल का आशीर्वाद मिल गया है। राघव, जितनी तकलीफ तुम्हें मुझसे दूर रहकर है, उतनी ही मुझे तुमसे दूर रहकर है। लेकिन ये साल मैं अपने परिवार के साथ खुश रहकर बिताऊंगी। हमारे मिलने से पाकी और आई को हर्ट होगा तो हम एक साल तक नहीं मिलेंगे। अगर तुम आज भी पाकी के पति हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे मिलने का। अगर पाकी और आई को पता चला कि हम आज भी मिलते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें तकलीफ देकर अपने सपनों की दुनिया बनाऊं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुमने अपने बदले के चलते कल्पी की खुशियां ही नहीं, अपनी खुशियों को भी जला कर राख कर दिया। राघव, यार इंपॉर्टेंट फाइल है, जल्दी से देख ले। क्या हुआ, कल्पना से मिला? क्या कहा उसने? उसने जो कहा उसके वजह से लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सैमी। जब भी ये उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ बिगड़ते जाता है। कमला माँ ठीक कहती है, इस बदले की आग में मेरी ही जिंदगी जल गई है, मेरी ही खुशियां जल गई। बदला मैं किसी और से लेना चाहता हूं, लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है। लेकिन मॉम को दिए हुए वादे की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी कल्पी और मेरे बीच की दूरियां कम करनी चाहिए, वो बढ़ती गई। आज मैं राघव को खुद खाना जाके दूंगी, इनफैक्ट उसी के साथ लंच करूंगी। आज हम दोनों की पहली लंच डेट होगी। अरे, सैलेड बनाना तो भूल ही गई। इसे सैलेड बना लेती हूँ पहले कि गौरी आंटी आ जाए और मेरा प्लान फेल हो जाए। मंदा, मेरी चाय कहाँ है? कि कहां मर गए हैं सब लोग? क्या फायदा इन कामचोर नौकरों का अगर सारा काम अपने हाथों से करना है? एक नंबर के कामचोर है नौकर। आने दो, आज देखती हूं मैं। चाय भी कोई नहीं बना रहा।
आपने बुलाया? मेरी चाय? चाय कौन बनाएगा? पाखी मैम राघव बाबा के लिए लंच बना रही थी, इसके लिए देर हो गई। मैं लेके आता हूँ। पाखी तुम जो सोच रही हो ना, वो होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। राघव कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मिसेस पाखी सिंघानिया, कांग्रेचुलेशन शादी के लिए। थैंक यू। तुम खुद क्यों आई? फोन कर देती, मैं ड्राइवर भेज देता। क्यों आई तुम यहां? ओ, मैं तुम्हारे लिए लंच। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मैं यहाँ ऑफिस के कैफेटेरिया में लंच कर सकता हूँ। मगर तुम्हें तो घर का खाना पसंद है ना, और फिर मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, सोचा हम साथ में लंच करेंगे। Really? तुम्हें लगता है हम साथ में लंच करेंगे? यार कॉन्फ्रेंस रूम रेडी है, बस तेरा ही वेट कर रहे हैं। गलती तो मेरी ही है, मुझे बता के आना चाहिए था। उसकी मीटिंग है, बिजी होगा वो, गुस्सा तो आएगा ही। वैसे अच्छा किया ना, बिजी है तो कम से कम मेरी वजह से खाना तो खा लेगा टाइम से। कोशिश करना मेरा काम है, और मैं राघव को खुश करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ सकती। हाँ सर, आप सर के कैबिन में प्लेट्स ले आना। इसकी हकदार पाखी है, मैं इसे जाकर पाखी को ही दूंगी। ये भगवान के चरणों का प्रसाद है, ये कल्पी के लिए। ये शंख उसकी जिंदगी में नया शंखनाद लाएगा। तकदीर ने उसके सामने लकीर खींची है, कल्पी उस लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच लेगी। मुझे विश्वास है इस बार कल्पी अपनी आई को समझेगी और मेरा साथ देगी मेरे निर्णय में। ऐसा तो कल्पी करती थी हमेशा, हम इसी तरह लंच किया करते थे।
कर रहे हो? कोई आ जाएगा? हाँ। कोई देख लेगा राघव? देख ले। देखो अभी खाना खाने का टाइम है, शरारत का नहीं। मुझे खाना खाने का। और मैंने जो इतने शौक से खाना बनाया उसका क्या? अच्छा अच्छा।